सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है जो पूरे सौरमंडल को उसके असीमित ऊर्जा से प्रकाशित करता है। अगर सूर्य नहीं होता तो शायद ही हम इंसान इस धरती पर होते। आखिर सूर्य के अंदर प्रकाश या लाइट कैसे बनती है जो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरा होता है, और सूर्य के अंदर ऐसे कौन से धातु या गैस है जिसमें हमेशा परमाणु विस्फोट होता रहता है, और सूर्य किन पदार्थों से मिलकर बना है? क्या सूर्य हमेशा ऐसे ही बना रहेगा? सूर्य के बारे में इसलिए जानना जरूरी है कि अगर सूर्य ने एक दिन भी उसकी रोशनी देना बंद कर दिया तो यह समंदर और यह पहाड़ पूरी तरीके से जम जाएंगे, उसके बाद हर तरफ तबाही होगा। सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कहानी 4.5 अरब साल पहले शुरू हो चुका था, जहां धूल और धुआं से मिलकर बादल, जिसको नेबुलाए कहते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं ब्रह्मांड धीरे धीरे खुद को बड़ा और भी बड़ा करते हुए चला जाता है। इस उथल पुथल से भरे ब्रह्मांड में अधिक दबाव के चलते नेबुलाए में विस्फोट हो जाता है। तब उस नेबुलाए में मौजूद कच्चा माल जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब ढह जाते हैं और उससे अलग हो जाते हैं। तब जो कोर होता है उसके ग्रेविटेशनल पुल के जरिए सभी पिंड एक दूसरे से मिलकर एक सूर्य का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया ठीक ऐसे ही हो रहा होता है जिसमें कोई तारे का निर्माण होता है, और जो बचे हुए पिंड थे वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रहों का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर सूर्य के अंदर ऐसे कौन से ऊर्जा है जो हमारी धरती तक को जीवन से भर देते हैं? सूर्य का बुनियादी ढांचा यानी कोर, जो गर्म घने लोहे के प्लाज्मा से बना है, जिसके अंदर की दबाव 265 बिलियन बार तक होता है। इसके ऊपरी भाग जो सूर्य का 70% तक होता है, वह हाइड्रोजन से बना है। इतने ज्यादा दबाव में अब हाइड्रोजन के अणु टूटने लगते हैं, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन की शुरुआत हो जाता है। इस कारण से यह क्रिया फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। दोस्तों, फ्यूजन रिएक्शन होने में हर सेकेंड 7000 करोड़ टन हाइड्रोजन जलता है। इसके बावजूद सूर्य में अब भी इतनी परिमाण में हाइड्रोजन है जो अगले 5 अरब सालों तक इस तरह से चमकता हुआ पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता रहेगा। सूर्य के कोर के अंदर फ्यूजन रिएक्शन के कारण फोटॉन्स का उत्पत्ति होता है। दोस्तों, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में एक पैकेट यानी एक सीमित मात्रा में ट्रैवल करते हैं। अब ये प्रोटॉन सूर्य के कोर से उसके ऊपरी भाग यानी कॉन्वेंशनल जोन की ओर बढ़ रही है। इस क्षेत्र का टेम्परेचर 3000 करोड़ डिग्री तक होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन टूट कर आयन्स का शक्ल ले लेते हैं। अब यह आयन सन के कोर से आने वाले फोटॉन्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके कारण एक लाइट या फोटोन जो सन के कोर में बना था वह ऊपरी भाग तक आने में 2 लाख साल का समय लगता है। दोस्तों, आप जिस सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को अब देख रहे हैं वह करीब 2 लाख साल पुराना होता है। सूर्य में मौजूद आयन जो किसी जाली के जैसे काम करते हैं, वह नहीं होते तो सूर्य से आने वाले हाई रेडिएशन हमारे वायुमंडल को नष्ट कर देते, फिर हमारी पृथ्वी किसी भी जीव के लिए रहने लायक जगह नहीं होता।